शुक्रिया अमित। पंजाब कांग्रेस में मची कलह के बीच सिद्धू ने नया दांव खेला है और अपने एक ट्वीट में आम आदमी पार्टी की तारीफ कर दी। सिद्धू ने ट्वीट में लिखा कि पंजाब के लिए जिन मुद्दों को वो उठाते हैं आम आदमी पार्टी भी उन्हीं मुद्दों पर बात करती है। उनका ये ट्वीट तब आया जब भगवंत मान ने उनसे बिजली कंपनियों से सरकार के लेन देन पर एक ट्वीट करने को कहा था। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच शुरू हुई सियासी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है नवजोत सिंह सिद्धू आला कमान पर खुद को बड़ी भूमिका दिए जाने का दबाव बढ़ाते जा रहे हैं। इसकी झलक कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू के एक ट्वीट में आज फिर मिली। इस ट्वीट में सिद्धू ने पंजाब में जगह बना चुकी आम आदमी पार्टी की तारीफ कर दबाव बनाने की चाल चल दी। सिद्धू ने लिखा, हमारे विपक्षी दल आपने हमेशा पंजाब के लिए मेरे विजन और काम को पहचाना है। 2017 से पहले की बात हो, बेअदबी, ड्रग्स, किसानों के मुद्दे, भ्रष्टाचार और बिजली संकट का सामना पंजाब के लोगों ने किया और इन मुद्दों को मैंने उठाया। आज जैसा कि मैंने पंजाब मॉडल पेश किया, ये स्पष्ट है कि वो जानते हैं कि वास्तव में पंजाब के लिए कौन लड़ रहा है। सिद्धू के ट्वीट के बाद दिल्ली में भी हलचल शुरू हो गई और राहुल गांधी के घर पर पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत, प्रियंका गांधी के साथ ही चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच बैठक हुई। लेकिन सिद्धू तो मानो कुछ ठान चुके हैं। उन्होंने अपनी बात को ट्विटर पर ही कुछ इस तरह आगे बढ़ाया। उन्होंने लिखा, हमारे विरोधी मेरे और निष्ठावान कांग्रेसियों के लिए एक गाना गाते हैं, तुम अगर आप में आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कांग्रेस में रहोगे तो मुश्किल होगी। सिद्धू ने एक ट्वीट से दो संदेश दिए हैं। पहला ये कि कांग्रेस आला कमान से जो कुछ भी वो चाहते हैं उस पर फैसला जल्द हो और दूसरा कि आम आदमी पार्टी के रास्ते उनके लिए अब भी बंद नहीं हुए हैं। सिद्धू भले ही ट्विटर के जरिए अपना संदेश देने की कोशिश करते दिखे, लेकिन पार्टी के अंदरूनी मसले पर कांग्रेस सार्वजनिक रूप से कुछ बोलने से बचती दिखी। दिल्ली में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये सवाल पार्टी के बड़े नेताओं से पूछा गया तो रणदीप सुरजेवाला और पी चिदम्बरम ने धैर्य से पूरा सवाल सुना, सुनकर मुस्कुराए और फिर इसे टाल गए। आई होप मोदी जी ने महंगाई पर सवाल पूछने पे तो कोई पाबंदी नहीं लगाई। कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिद्धू की तारीफ कर चुके हैं। बताया गया कि आम आदमी पार्टी को भी पंजाब में पार्टी का चेहरा बनाने के लिए सिद्धू जैसे किसी कद्दावर नेता की तलाश है। पंजाब में बिजली को चुनावी मुद्दा बना रही आम आदमी पार्टी के भगवंत मान जब इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे तो वो सिद्धू को ही ललकारते दिखे। उन्होंने सिद्धू को चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो वो इस मुद्दे पर भी ट्वीट करें कि कांग्रेस सरकार प्राइवेट कंपनियों से बिजली खरीदने के करार पर चुप क्यों रही। जो सिद्धू साहब रोज ट्वीट करते हो बिजली के समझौते आए हो जाएंगे कर लाए करने, एक फिर लार्सन एंड टर्बो ते विधानता बारे भी एक ट्वीट बनता है हुण। पर मैं नाल नाल तुहानू दसना भी चाहुंदा कि ट्वीट करन वेले इह सोच लिओ, इह ट्वीट सीधा जनपथ जाऊगा राहुल दे घरे करके देख लो। फिर चुनाव महज कुछ ही महीने दूर हैं, लेकिन कांग्रेस में घमासान अब भी जारी है। सिद्धू पर आम आदमी पार्टी का नाम लेकर पार्टी नेतृत्व पर दबाव डालने के आरोप भी लग रहे हैं। हालांकि सिद्धू के ट्वीट पर आम आदमी पार्टी के पंजाब के नेताओं का नजरिया अभी सामने नहीं आया है, लेकिन भगवंत मान के बयान ने सिद्धू के लिए सकारात्मक माहौल जरूर बना दिया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक जेल में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद कैदी जान बचाने के लिए जेल की छत पर चढ़ गए। जबकि जेल का एक हिस्सा तेजी से जलता नजर आया और उसे घने धुएं का गुबार उठता दिखा। एक कमरा और उसके ऊपर की छत तो आग से पूरी तरह नष्ट नजर आए, जिसके बाद हादसे से बौखलाए कैदी जल्दी जल्दी जेल की उस छत पर चढ़ गए। इस दौरान एक कैदी बाकायदा रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ता दिखा, जबकि पहले से ही ऊपर बैठे उसके साथी उसका इंतजार करते नजर आए। वहीं एक कैदी तो छत को डंडे से पीटता दिखाई दिया, लेकिन कुछ ही देर में पुलिस वाले भी जेल की छत पर पहुंच गए। इस बीच आग से हल्के फुल्के घायल हुए कुछ कैदी पेट के बल लेटे दिखे, जिन पर पुलिस वाले एक खास दवा छिड़कते नजर आए। वहीं बाकी कैदियों को छत से उतारकर जेल के बाहर एक खुले एरिया में लाया गया, जहां सभी एक कतार में लेट गए। उधर दमकल कर्मी पानी का छिड़काव कर आग बुझाने में कामयाब रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में कावड़ यात्रा होगी। यूपी में कोरोना प्रोटोकॉल के साथ कावड़ यात्रा होगी। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है, बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश से सिर्फ संकल्प लेने वाले ही कर सकेंगे यात्रा। अजीत हमारे सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं। अजीत, और क्या जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री ने पहले भी कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा होगी और 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा होगी। फरा
इसके लिए उन्होंने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है और ये कहा है कि आसपास के जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है उसके साथ साथ उत्तराखंड है, हरियाणा है, दिल्ली है, बिहार है, जहां जहां से कांवड़ यात्री उत्तर प्रदेश में आते हैं और गुजरते हैं, गंगा जल उठाते हैं, उन राज्यों के मुख्य सचिवों से, उन राज्यों के अधिकारियों से बात करें और कोविड की जो 19 के जो प्रोटोकॉल है उसका पालन कराएं, सोशल डिस्टेंसिंग, और ये भी कहा जा रहा है कि जो कांवड़ संघ से जुड़े लोग हैं वही लोग जो है कांवड़ यात्रा निकालेंगे, जो संकल्प लेते हैं यानी जो गंगा जल यहाँ से उठाते हैं और दूसरी जगह जाके जो है भगवान शिव पर विसर्जित करते हैं, तो उन्हीं को अनुमति दी जाएगी। जो भीड़ होती थी उस भीड़ को कंट्रोल किया जाएगा, जो संकल्पित कांवड़ यात्री हैं, शिव भक्त हैं, उनको अनुमति दी गई है, वो कांवड़ यात्रा निकालेंगे और जगह जगह जो मेडिकल कैंप्स हैं, इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग है, उनके खाने पीने की, स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो मुख्य सचिव के निर्देशन में किया जाएगा और इसीलिए आसपास के जो राज्य हैं उनके चीफ सेक्रेटरी से यहाँ के मुख्य सचिव बात कर रहे हैं। फरा शुक्रिया अजीत। न्यूज 18 से बात करते हुए योग गुरु रामदेव ने दावा किया कि कोरोना के दौरान 90% लोग गिलोय और योग के जरिए ठीक हुए। थोड़े से हालात सुधर रहे थे, फिर दूसरी वेव आ गई तो काफी विवाद हुआ कि भाई कोरोनिल कहां गई, उससे ये दूसरी वेव कैसे आ गई, जब कोरोनिल थी तो फिर लोगों को बचाया जा सकता था, लोग क्यों नहीं बचे। 90% लोग योग आयुर्वेद से गिलोय तुलसी और ये स्वास्थ्य कोरोनिल जैसी चीजों का प्रयोग करके बचे। ये जो हॉस्पिटलों में जो लोग गए, मैं कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहता दोबारा, उसमें से एक बहुत बड़ी संख्या तो वापस ही नहीं आ पाई। अमेरिका के फ्लोरिडा से दिलचस्प तस्वीरें सामने आई। वहां नेशनल हॉकी लीग की विजेता टीम ने जीत का जश्न मनाने के लिए नाच गाकर आम तरीके से अपनी खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि नदी पर नावों की एक विशाल परेड निकाली। जिसकी सामने आई तस्वीरों में टैंपा बे लाइटनिंग टीम के खिलाड़ी कई दर्जन नावों के काफिले के साथ नदी में उतरे नजर आए और हाथों में ट्रॉफी उठाकर अपनी जीत का डंका पीटते दिखे। स्टैनली कप को हाथों में लेकर वो नाव के ऊपर ही नाचते गाते रहे, लेकिन कप किसी एक ही नाव पर सवार नहीं रहा, बल्कि बारी बारी से उसे एक नाव से दूसरी नाव पर ले जाया गया। इस शानदार बोट परेड को अपनी आंखों से देखने के लिए कई हॉकी फैंस भी जुटे। हालांकि बताया गया कि टीम ने जीत का जश्न इतना ज्यादा मना लिया कि स्टैनली कप में डेंट ही पड़ गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग वहां के रिहायशी इलाकों के करीब पहुंच गई है। चार दिन पहले लगी इस आग को बुझाने के लिए वहां दमकल की कई टीमें उतारी गई, लेकिन चार दिन बाद भी आग को नहीं बुझाया जा सका। वहां से सामने आई तस्वीरों में रात के वक्त कैलिफोर्निया के जंगल आग की लपटों में घिरे नजर आए। फायर ब्रिगेड की कई टीमें भी आग बुझाने के काम में जुटी रही, लेकिन तेज हवाओं ने उनकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया। बताया गया कि इस आग की वजह से वहां के जंगलों का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो चुका है और अब जंगलों की आग तेजी से रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रही है। प्रशासन ने खतरे को देखते हुए वहां के कई इलाकों को खाली करवाने का काम भी शुरू कर दिया। पंजाब के लुधियाना से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आईं। वहां सड़क हादसे में एक लड़के की मौत के बाद कुछ लोगों ने खूब हंगामा किया। इसकी शुरुआत तब हुई जब एक ट्रक ने उस लड़के को कुचल दिया, जिसके बाद आसपास के लोग भड़क गए और उन्होंने उस डंपर पर अपना गुस्सा उतारा। पहले तो उन लोगों ने पुलिस के सामने ही खूब पथराव किया, जिससे डंपर के शीशे चकनाचूर हो गए। इस पत्थरबाजी से जब लोगों का मन नहीं भरा तो उन्होंने उस डंपर में आग लगा दी। इसके साथ ही गुस्साए लोगों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। हालांकि पुलिस ने तोड़फोड़ कर रहे लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं माने, जिसके बाद बड़े अधिकारियों को वहां आना पड़ा। उन्होंने गुस्साए लोगों से बातचीत की, तब कहीं जाकर वो लोग शांत हुए। टीम सड़ी मौके पे हाजिर है, जांच कर रहे हैं। इस दौरान कुछ पुलिस वालों को भी चोटें आईं, उन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल भेजा गया। हरियाणा के कैथल से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें टायरों से तेल निकालने वाली फैक्ट्री में अचानक आग लग गई और वो पूरी तरह से जलकर राख हो गई। और आग इतनी भयानक थी कि धुआं आसमान छूने लगा और कई किलोमीटर दूर तक फैल गया, जिसकी सूचना मिलते ही दमकल कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचकर उसे काबू करने में जुट गए। इसमें तेल की आ गए, ब्लास्ट भी हो रहे हैं, आपको सुन भी रहे होंगे आवाज इसकी। इसमें अंदर ट्रक भी खड़े, वो भी जल चुके हैं। आग इतनी ज्यादा फैल चुकी थी जिसको बुझा पाना मुश्किल हो रहा था, लिहाजा खुदाई करने वाली मशीन की मदद से पहले दीवार को तोड़ा गया, तब जाकर 3 घंटे की मेहनत के बाद इसे काबू किया जा सका। हालांकि जब तक आग को बुझाया गया तब तक फैक्ट्री जलकर राख हो चुकी थी। यूपी के पंचायत और ब्लॉक प्रमुख चुनावों में मिली कामयाबी के बाद बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में भी जीत दोहराने के लिए खास प्लान तैयार किया है। न्यूज 18 के यतेंद्र शर्मा की रिपोर्ट है कि पार्टी के राष्ट्रीय सचिवों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जेपी नड्डा की अगुवाई में मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक जिसमें इन सचिवों को
यूपी के दो दो जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई। इन जिलों में पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी इन्हीं नेताओं पर होगी और ये लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिपोर्ट करेंगे। बीजेपी अपने इस प्लान के जरिए राज्य की सत्ता में फिर वापसी करना चाहती है, इसलिए वो अभी से राज्य में अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने में जुट गई। भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने कैडर के साथ ऊपर से लेकर मंडल तक, बूथ तक बैठकों के आयोजन होते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन तो हम सब लोगों के लिए अमृत जैसा है। पीएम ने टोक्यो ओलंपिक्स में जाने वाले खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से ऑनलाइन बात की और उनका हौसला बढ़ाया। मुझे पूरा विश्वास है आप सब देश के लिए खेलते हुए देश का गौरव बढ़ाएंगे। फरहान अख्तर की फिल्म तूफान का नया गाना जारी कर दिया गया। ये फिल्म शुक्रवार को ऑनलाइन रिलीज होगी। गुजरात के द्वारका में बिजली गिरने से द्वारकाधीश मंदिर के ऊपर लगे झंडे को नुकसान पहुंचा। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में बिजली चोरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद जांच के लिए बिजली विभाग की टीम वहां पहुंची, लेकिन मकान के अंदर मौजूद लोगों ने दरवाजा नहीं खोला। उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहे वसीम रिजवी के खिलाफ रेप का केस दर्ज होगा। लखनऊ की जिला अदालत ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। वसीम रिजवी के ड्राइवर की पत्नी ने उन पर रेप का आरोप लगाया था। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मॉनसून की पहली बारिश हुई, लेकिन वहां थोड़ी देर के लिए पानी बरसा और कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। एक तरफ बारिश से लोगों को राहत मिली तो दूसरी ओर उनके लिए परेशानी खड़ी हो गई, क्योंकि कुछ इलाकों में सड़कों पर इतना पानी भर गया कि उन्हें देखकर ऐसा कहा ही नहीं जा सकता कि बारिश ज्यादा देर तक नहीं हुई। वहां के एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आईं उनमें सड़कों का नामोनिशान मिटा नजर आया। यही नहीं, सरसावा जाने वाला हाईवे भी पानी से लबालब भर गया। वहां सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां भी पानी में आधी डूब गई। परेशानी तो उन लोगों को भी उठानी पड़ी जो किसी नदी के आसपास मौजूद इलाके में बसे हैं। बारिश के बाद वो नदियां भी उफान पर आ गईं। इसके बावजूद कुछ लोगों ने अपनी जान खतरे में डाल दी, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें दो लोग पानी में बंद हो चुकी मोटरसाइकिल को सैलाब के बीच धक्का देते दिखाई दिए। गुजरात के दाहोद से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक महिला से सरेआम कुछ दबंगों ने बदसलूकी की। बताया गया वो महिला किसी आदमी के साथ घर छोड़कर भाग गई थी। आरोप है कि इसी के बाद गांव के कुछ लोगों ने मौका देखकर उसे पकड़ लिया और फिर उन लोगों ने सबके सामने ही उसके कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। इसके साथ ही कुछ लोग उसे डंडों से पीटने भी लगे। दबंगों से घिरी वो महिला कभी अपने कपड़ों को मजबूती से पकड़ने की कोशिश करती दिखी तो कभी उनके हमलों से बचने के लिए इधर उधर भागती दिखी। इस दौरान वो लगातार उन लोगों से माफी की गुहार भी लगाती रही, लेकिन किसी को भी उस पर दया नहीं आई। इसके बाद एक आदमी ने उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर घसीटना शुरू कर दिया। यही नहीं, उसे एक आदमी को कंधे पर उठाकर पैदल चलने की सजा भी दी गई। हैरानी की बात ये रही कि गांव की कुछ महिलाओं के सामने ही ये सब होता रहा, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव की कोशिश नहीं की। इस घटना का वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके आधार पर पुलिस ने 19 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अफगानिस्तान से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां तालिबान ने सरेंडर करने वाले 22 अफगानी जवानों को सरेआम गोलियों से उड़ा दिया। 16 जून का ये वीडियो अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान सीमा के पास फरियाब प्रांत का बताया गया, जिसमें अफगान स्पेशल फोर्स के ये जवान अपने हाथ ऊपर उठाकर तालिबान के लड़ाकों की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। ये जवान पूरी तरह से निहत्थे थे और सरेंडर करने के लिए ही आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तालिबान के लड़ाकों ने उन पर कोई रहम नहीं किया। उन्होंने इन जवानों पर गोलियों की बौछार कर दी और देखते ही देखते सभी 22 जवान वहीं पर ढेर हो गए। इस इलाके पर कब्जे के लिए तालिबान और अफगान सुरक्षा बल के बीच जंग चल रही थी, तभी इन जवानों का गोला बारूद खत्म हो गया और उन्हें सरेंडर करना पड़ा, लेकिन तालिबान के लड़ाकों ने इन निहत्ते जवानों को सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के बाद कई जगहों पर पहाड़ों के पत्थर खिसकने की घटनाएं हुई, जिनकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ। कांगड़ा जिले में के गांव में तो कुछ परिवारों पर रात के वक्त कुदरत का ऐसा कहर टूटा कि पल भर में घर तबाह हो गए।
जिसके बाद रात में ही एनडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। कई लोगों के लापता होने की खबरें आती रहीं और कुछ खुशकिस्मत लोगों को बचाने में एनडीआरएफ की टीमें कामयाब भी हो गईं। सुबह के वक्त जब न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो तस्वीरें चौंकाने वाली दिखी। यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है और कहीं ना कहीं खतरा जो है वो अभी भी बना हुआ है। पहाड़ की तलहटी में बसे कुछ मकान अपनी जगह से काफी दूर पहुंचे हुए कबाड़ की तरह दिखने लगे। कुछ कच्चे मकान तो गायब ही हो गए। ये जो तस्वीरों में आप ये जो घर देख पा रहे हैं ये पहले ऊपर था और जैसे ही मलबा नीचे गिरा उसके बाद ये घर जो है वो खिसक कर यहाँ पहुँच चुका। घटना वाली जगह पर पहुँचने के रास्ते में भी कई जगहों पर रुकावटें आईं। जानकारों और रिश्तेदारों की खबर लेने के लिए आसपास के इलाकों से लोग बड़ी संख्या में पहुँचने लगे। हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में सैलानी मौजूद हैं, इसलिए मुख्यमंत्री ने सैलानियों से खतरे वाली जगहों से दूर रहने की अपील की। बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट पूरे देश भर से यहाँ आए हैं और टूरिस्ट ऐसी जगह ना जाएं जहां इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में मौसम बिगड़ने के कारण पहाड़ खिसकने की घटनाएं हुई हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बारिश ना होने से परेशान लोगों ने गांव के ही एक आदमी को गधे पर बिठा दिया। गधे पर बिठाने के लिए गाँव की ही सरपंच के पति को चुना गया और पूरे गांव में ढोल नगाड़ों के साथ उसकी यात्रा निकाली गई। इस जुलूस में गांव के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल रहे। गांव में घुमाने के बाद सरपंच के पति को गधे पर बिठाकर शमशान ले जाया गया और वहां की परिक्रमा करवाई गई। गांव वालों ने ये सब बारिश के लिए किया। ये सारा तामझाम दिन के वक्त किया गया और शाम को वहां बारिश हो गई। बारिश को देख लोगों के चेहरे खिल गए और उन्होंने इसे गधे की सवारी वाले टोटके का परिणाम माना। गधे पे बिठा के शमशान तक लेकर जब जाके पानी गिरा, बोल लपक के पानी गिर रहा है आज यहाँ पे। बताया गया कि इस इलाके में पिछले कई दिनों से बारिश ना होने की वजह से सोयाबीन की खेती करने वाले किसान परेशान थे। इराक के नसरिया से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक अस्पताल के कोविड वार्ड में आग लगने से 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यह आग शहर के अल हुसैन टीचिंग हॉस्पिटल में हुई, जिसके बाद वहां बेतहाशा भीड़ इकट्ठा हो गई और हर ओर मातम छा गया। एक तरफ आग बुझाने का काम जारी रहा तो वहीं दूसरी तरफ एम्बुलेंस के जरिए फौरन मरीजों को दूसरे अस्पताल भेजा गया। बताया गया कि 70 बिस्तरों वाला कोविड वार्ड 3 महीने पहले ही शुरू किया गया था, जिसका मंजर इस हादसे के बाद डराने वाला था। आग को बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। कई जगहों पर भड़क रहे अंगारों को दमकल कर्मचारी कंबल से ढकते दिखाई दिए। अस्पताल में मची अफरा तफरी के बीच शवों के ढेर में लोग अपनों को घंटों तक तलाशते रहे। अहमदाबाद से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक ऑटो ड्राइवर सड़क पर स्टंट करता नजर आया। इस दौरान वहां से कई लोग गुजर रहे थे, लेकिन वो किसी की परवाह किए बगैर स्टंट करता रहा। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो गया, जिसमें वो अपने ऑटो को सड़क पर कभी इधर तो कभी उधर दौड़ाता हुआ नजर आया। उसकी इस हरकत से वहां मौजूद लोग दहशत से भर गए। बीच सड़क पर ऑटो ड्राइवर के स्टंट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत के मामले पर अदालत ने पुलिस को फटकारा। न्यूज 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दायर स्टेटस रिपोर्ट पर नाराजगी जताई और कहा कि जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत के मामले पर तैयार ये रिपोर्ट बड़े ही साधारण तरीके से बनाई गई। अदालत ने दो टूक कहा कि ये मामला संवेदनशील है, साथ ही उसने दिल्ली पुलिस को फिर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। 3 अगस्त को मामले की फिर से सुनवाई होगी और उसी समय जांच अधिकारी स्टेटस रिपोर्ट सौंपेंगे। मध्य प्रदेश में बारिश की कमी से किसानों के चेहरे मुरझा गए। मध्य प्रदेश में बारिश की कमी से फसलों के सूखने का खतरा मंडराने लगा। मौसम विभाग के मुताबिक वहां पिछले 1 महीने में औसत से काफी कम बारिश हुई, जिससे किसानों को बड़े नुकसान का डर सताने लगा है। 20 दिन से लगातार अब इंद्र देवता रूठे हुए हैं, तो जो भी फसल खरीफ की है सभी पर अब जल्दी पानी नहीं गिरा तो खतरा मंडरा रहा है। मॉनसून की शुरुआती बारिश जल्दी होने की वजह से कई किसानों ने सोयाबीन और मक्का की फसल बो दी थी, लेकिन अब बारिश न होने से उनकी फसल सूखने लगी है। सोयाबीन बोता था 1000 रुपए कुंटल लेके, वो उगा नहीं, पानी की वजह से फिर मक्का बोना पड़ी हमें, तो ये समझ में नहीं आ रही है कि क्या होगा, परिवार कैसा चलेगा। मौसम के इस मिजाज से वहां के कृषि मंत्री भी परेशान नजर आए। पानी की दरकार है, ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हैं इंद्र देवता से कि बारिश करें। शिमला में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के तौर पर शपथ ली।
संविधान में लिखा हुआ जो लिखी हुई मर्यादा जो है उस मर्यादा को ध्यान में रखकर मुझे काम करना पड़ेगा। मुंबई में वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को लोकल ट्रेनों में यात्रा की मंजूरी देने की मांग उठी। मुंबई रेलवे प्रवासी संघ ने इस मामले में रेलवे को एक प्रस्ताव भी भेजा। कोरोना खतरे की वजह से अभी सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही लोकल ट्रेनों में सफर करने की इजाजत दी गई है। पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 66 साल के थे। यशपाल शर्मा 1983 में विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी और सचिन तेंदुलकर समेत कई हस्तियों ने दुख जताया। कोरोना नियमों की अनदेखी होने पर दिल्ली में एक के बाद एक कई बाजारों को प्रशासन ने बीते दिनों बंद करवाया, जिस पर व्यापारियों का गुस्सा भड़क गया। डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग की गई है, लेकिन दुकानदारों का साफ तौर पर कहना है कि जो सड़क पर नियमों का पालन नहीं हो रहा है उसकी जिम्मेदारी किसकी है। कारोबारियों की दलील है कि वो अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं बरत रहे, लेकिन बाजार में उमड़ने वाली भीड़ की वजह से कार्रवाई होने पर उनका भारी नुकसान होता है। जो दुकानें हैं उनका सारा पालन होगा, मेन जो बार का पालन आप देखिए उनको, प्रशासन को देखना चाहिए। लखनऊ से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों ने पूछताछ में चौंकाने वाला पर्दाफाश किया है। बताया गया कि पकड़े गए आतंकियों का हैंडलर संभल का उमर हलमंडी है, जो पाकिस्तान में जाकर बस गया है। यूपी के दहलाने की साजिश रचने वाले जिन दो आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, उनके हैंडलर के बारे में सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। संभल के उमर हलमंडी पर उन दोनों आतंकियों का हैंडलर होने का आरोप है। उसकी गिरफ्तारी के बाद उमर हलमंडी का भाई भी सामने आया और उसने भाई का बचाव करने से इनकार कर दिया। उसके भाई ने न्यूज 18 को विस्तार से बताया कि वो कब और कैसे बाहर गया, अगर वो पकड़ा जाता है तो उसके साथ क्या होना चाहिए। यूपी ATS की गिरफ्त में है दो बेहद खतरनाक संदिग्ध आतंकी। आरोपों के मुताबिक जिनका मकसद यूपी की राजधानी लखनऊ सहित राज्य के बड़े धार्मिक स्थलों को मानव बम और कुकर बम के जरिए दहलाना था, जिनका इरादा अयोध्या, मथुरा और काशी को इंसानियत की कत्लगाह बनाना था। लेकिन जब ये यूपी ATS के हत्थे चढ़े तो रट्टू मल तोते की तरह जो कुछ बताने लगे उसमें एक नाम आया, उमर हलमंडी। और इस नाम के आते ही यूपी का संभल जिला फिर सुर्खियों में आ गया। फिर तो न्यूज 18 की टीम भी उन्हीं सड़कों और गलियों में जा पहुंची जहां इन दो संदिग्ध आतंकियों के हैंडलर उमर हलमंडी का बचपन गुजरा था, जहां उसने अपने जीवन के 23 साल बिताए थे। न्यूज 18 की मुलाकात संभल में आतंकी उमर हलमंडी के भाई से हुई, जिसकी छवि साफ सुथरे मेथा कारोबारी की है और इसने उमर की पिछली जिंदगी की हकीकत दुनिया के सामने रख दी। बताया गया कि उमर हलमंडी का असली नाम सईद अख्तर है। 1998 में जब उसने घर छोड़ा तब उसकी उम्र करीब 23 साल थी। सईद अख्तर कम बोलता था लेकिन वो गुस्सैल स्वभाव का था। सईद अख्तर उर्फ उमर हलमंडी ने स्कूल में पढ़ाई नहीं की थी। 1998 में घर छोड़कर जाने के बाद वो कभी वापस नहीं लौटा। 23-24 साल की उम्र होगी जब वो यहाँ से गए, कुछ कह के तो गए नहीं थे, जाते रहते थे। जब वो लास्ट टाइम गए तो फिर उसके बाद से लौटे ही नहीं थे। 23 साल पहले घर छोड़ा, उसके कुछ दिनों बाद मुल्क छोड़ा, उसके बाद उसका नाता हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी साजिश रचने तक सिमट कर रह गई। हिंदुस्तान के लोगों का खून बहाने की ऐसी सनक सवार हुई कि 4 साल पहले जब उसके पिता की मौत हुई तो उसने किसी की सुध नहीं ली। यही नहीं, 4 महीने पहले जब उसकी मां की मौत हुई तो भी उसने अपने परिवार से संपर्क नहीं साधा। आरोप है कि सईद अख्तर देश छोड़कर पाकिस्तान चला गया और उसके बाद वो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर सक्रिय अलकायदा से जुड़ गया। बताया गया कि सईद अख्तर उर्फ उमर हलमंडी के साथ संभल का ही रहने वाला आसिम उमर भी पाकिस्तान गया था, जो अफगानिस्तान पहुंचकर अलकायदा के कमांडर अल जवाहिरी का बेहद करीबी बन गया। वहीं आसिम उमर को अलकायदा का इंडिया चीफ बनाया गया। आसिम के बारे में खुफिया एजेंसियों के पास सुराग था, लेकिन उमर हलमंडी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। अब जब ATS ने लखनऊ में संदिग्ध आतंकी मिनहाज अहमद और मसरुद्दीन मुशीर को दबोचा तो उमर हलमंडी का कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। बताया गया कि पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों ने कबूला कि अलकायदा से जुड़ने के बाद सईद अख्तर को नया नाम उमर हलमंडी दिया गया। उसे पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर रहकर अलकायदा से जुड़े संगठन अंसार गजवातुल हिंद की भारत में जड़ें मजबूत करने का काम दिया गया। जब खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक लगी और जांच एजेंसी पूछताछ के लिए उसके भाई के घर पहुंची, तब जाकर उसके भाई को असलियत का पता चला। फिर उनका नाम कुछ उसमें आया, पुलिस आई तो हमें भी पता चला, फिर ना उसने कांटेक्ट करा कभी ना कांटेक्ट। उमर हलमंडी का गायब हो जाना, परिवार से संपर्क तोड़ लेना
और दूसरी हरकतों से परिवार को पुलिस की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों को लेकर कोई शक या संशय नहीं। आतंक के आरोपी का भाई तो इस बात से शर्मिंदा है कि इसका उससे खून का रिश्ता है जिसे वो नकार नहीं सकता। यह बहुत शर्म की बात है हमारे लिए कि हमें बुलाया जाता, भाई क्या करें, मगर तो भाई है तो माँ बाप तो है नहीं, हम ही भाई हैं उसके जो भी हैं, तो हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, ना हमें उसके बारे में कोई जानकारी, ना हमें पता वो क्या कर रहा, लेकिन जो भी कर रहा गलत है, हम तो यही कहना चाहेंगे गलत कर रहा है। देश शर्मिंदा है, यूपी शर्मिंदा है, संभल शर्मिंदा, और शर्मिंदा है वो एक परिवार और उसका भाई जिस देश ने उस परिवार को सब कुछ दिया, उसके परिवार के एक सदस्य पर आतंकी होने का आरोप लगा है। उसका भाई चाहता है कि वो सामने आए और अपने फल की सजा भोगे, उसने जो किया है उसकी सजा उसे मिले। यूपी के मथुरा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक मठ पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बताया गया कि मठ पर कब्जा करने के मुद्दे पर दो गुटों के बीच विवाद चल रहा था, लेकिन ये विवाद अचानक खूनी संघर्ष में बदल गया। सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि कुछ लोग मठ के अंदर दाखिल हुए, जिन्हें रोकने के लिए एक विदेशी श्रद्धालु उनके सामने खड़ा हो गया। उसके हाथों में डंडे थे। इसके बाद एक आदमी के साथ उसकी धक्का मुक्की होने लगी। इसी बीच मठ का एक पुजारी विदेशी श्रद्धालु की मदद करने के लिए वहां पहुंचा और उसने दूसरे गुट के उस आदमी पर हाथ छोड़ दिया, जिसके बाद दोनों तरफ से घूंसों की बरसात होने लगी। थोड़ी देर के लिए मठ का अहाता अखाड़े में तब्दील हो गया। दोनों गुट के लोग इस तरह आपस में भिड़े जैसे लगा कि वो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हों। इससे पहले दोनों तरफ के लोगों में तीखी बहस भी हुई। कुछ देर बाद मारपीट तो खत्म हो गई, लेकिन बहस जारी रही। बताया गया कि इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। गुजरात के कच्छ पोर्ट से सामने आया डराने वाला वीडियो, जहां कच्छ के पोर्ट पर ट्रेन का डिब्बा लिफ्ट करते वक्त हादसा हुआ। हादसे में एक मजदूर बुरी तरह से जख्मी हो गया। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लाल कपड़े से लिपटे इस डिब्बे को मजदूर लिफ्ट के जरिए ऊपर खींच रहे थे, लेकिन तभी लिफ्ट की चेन अचानक से टूट गई और नीचे काम कर रहे मजदूर डिब्बे के नीचे आ गए। इस हादसे में एक मजदूर बुरी तरह से घायल हो गया। चीन के हेनान प्रांत में बाढ़ की वजह से बड़ी तादाद में लोग बेघर हो गए। लगातार हुई भारी बारिश से वहां बहने वाली नदियां उफान पर आ गई और उनका पानी सैलाब की शक्ल में शहरों के अंदर दाखिल हो गया। अचानक पानी बढ़ने की वजह से कई लोग रास्ते में ही फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए बचाव दल को मोर्चा संभालना पड़ा। सामने आई तस्वीरों में बचाव कर्मी तेज बहाव में फंसे लोगों को रस्सी की मदद से बाहर निकालते नजर आए। कई दूसरे इलाकों में भी यही हालात दिखाई दिए। घुटनों से ज्यादा पानी भरने की वजह से कई गाड़ियां रास्ते में ही फंस गईं, जिसके बाद उनमें सवार लोगों को निकालने के लिए बचाव दल को मशक्कत करनी पड़ी। ऐसी ही एक तस्वीर में बचाव कर्मी लोगों की मदद करते दिखे। बाद में इन लोगों को दमकल की गाड़ियों में बैठाकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ भेजा गया। पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटन स्थलों पर उमड़ी भीड़ पर चिंता जताई और लोगों से सावधान रहने की अपील की। स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ठीक नहीं है। उत्तराखंड में भारी बारिश के साथ पहाड़ खिसकने की घटनाओं ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में पिछले कुछ वक्त से लगातार बारिश हो रही, लेकिन इसने उत्तराखंड के कई इलाकों में लोगों की मुसीबतें भी बढ़ा दी। वहां के विकास नगर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं, जहां पहाड़ खिसकने की वजह से रास्ते का एक हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया। रास्ता बंद होने की वजह से दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। वहां कई गाड़ियां रास्ता खुलने का इंतजार करती नजर आईं। चंपावत से भी ऐसी ही डराने वाली तस्वीरें सामने आईं। वहां एक कार पहाड़ से गिरे मलबे में ही फंस गई, जिसे निकालने के लिए खुदाई करने वाली मशीन की मदद दी गई। हरियाणा सरकार ने 16,000 क्यूसेक पानी यमुना नदी में छोड़ा। हरियाणा ने दिल्ली के लिए 16,000 क्यूसेक पानी यमुना नदी में छोड़ दिया है। ये पानी अगले 3 से 4 दिनों में दिल्ली पहुंच जाएगा। यमुना में पानी छोड़े जाने पर आम आदमी पार्टी ने खुशी जताई। हमारा लेजिटिमेट वाटर शेयर जो हरियाणा ने रोक रखा था, वो हरियाणा ने दिल्ली सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद छोड़ दिया है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में अवैध शराब बनाने वालों पर कार्रवाई करने पहुंची आबकारी विभाग की टीम पर हमला किया गया। आरोप है कि कुछ लोगों ने एक एएसआई को घेर लिया और पिटाई शुरू कर दी, जिसके बाद टीम के लोगों ने भी फायरिंग की, जिसमें 3 गांव वाले घायल हो गए।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में बारिश ना होने से परेशान लोगों ने टोटके का सहारा लिया। मान्यता के मुताबिक गांव वालों ने एक आदमी को गधे पर बिठाकर घुमाया, फिर शमशान ले जाकर पूजा की। इसके बाद वहां बारिश शुरू हो गई तो लोगों ने मान लिया कि टोटके की वजह से ही बारिश हुई। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की बाइक और हथियार भी बरामद करने का दावा किया। मौसम विभाग ने गुजरात के कच्छ, देवभूमि, द्वारका और जामनगर इलाके में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में इन जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने टोक्यो ओलंपिक से अपना नाम वापस ले लिया। घुटने में चोट की वजह से फेडरर ने ये फैसला लिया। आज की ताजा खबर में इतना ही।